इनफोकस न्यूज में आपका स्वागत है। आज है इंटरनेशनल गुजर डे और मैं आपको लेकर आई हूँ साई ऑडिटोरियम में, साई लोधी रोड पे जो है, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अंदर मैंने देखी है। तो सबसे पहले जिन्होंने इस माहौल को इतना सुंदर बनाया है रागनी गा के, तो उन सिंगर से मैं रूबरू करवाती हूँ आपको। तो मैं मिलवाना चाहूँगी ज्ञानेंद्र सरदाना जी हैं मेरे साथ। बहुत सुंदर रागनी, इतनी अच्छी प्रस्तुति रही आपकी, पूरा माहौल समा बांध के रखा है। तो आप ये जो गुजर जो इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये क्यों मनाया जा रहा है और कब से मनाया जा रहा है? देखो, ये जागरूकता जब से आ जाए जब, अच्छी बात है। अब हमारी जो कौम है वो जागरूक हो रही है धीरे धीरे, तो कई सालों से आप देख रहे हो बड़ी धूमधाम से हर वर्ष बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं इसमें, और अब की बार आप देखा है कि कितना अच्छा यहाँ पे माहौल क्रिएट किया है, सभी ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा ये आज अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है, जो मनाया जाना भी चाहिए, जिससे हमारे पूर्वजों की भी पता लगे कि उन्होंने कैसा कैसा बलिदान दिया है, कैसे कैसे वीर महावीर योद्धा महायोद्धा इस कौम में पैदा हुए हैं, कितनी कितनी उन्होंने तबाही भरी है जब ये यहाँ पे बैठे हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया आपकी प्रस्तुति रही, मैंने देखा, मैंने खुद इन्जॉय किया, ऐसा लग रहा था कि सुनते ही जाऊँ आपको, सुनते ही जाऊँ। एक बार ही हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक अपना जो आपका गाने बहुत फेमस है, वैसे सभी ने सुने हैं, तो दो लाइनें कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखो डीजे सॉन्ग तो आप सुनते ही रहते हो, लेकिन आज इंटरनेशनल गुजर डे है तो उस पर एक रागनी गुजरों की मैं, जो बहुत फेमस भी हुई है, उसको सुनाना चाहूँगा। वही देश धर्म पे अर्पण कर दी हंस के जान गुजरों ने, और सच्चा फर्ज निभाया दे दे के बलिदान गुजरों ने, दे के बलिदान गुजरों ने, देश धर्म पे अर्पण कर दी सदा हंस के जान गुजरों ने, सच्चा फर्ज निभाया दे दे के बलिदान गुजरों ने, दे के बलिदान गुजरों ने। क्या बात है, क्या बात है, इसमें सभी कुछ आ गया, उनका इंट्रो पूरा ही आ गया गुजरों का, जो जो उन्होंने किया है।